हाय गाइस, माय सेल्फ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं कोलकाता न्यू मार्केट। आप लोगों को लास्ट मॉक में ब्लॉग में ही बोल रहे थे कि रायु का बर्थडे आ रहा है, तो रायु के बर्थडे के लिए बहुत कुछ प्लान पहले से ही हम लोग करके रखे थे। तो आगे आगे आप लोगों सब कुछ शेयर करेंगे। तो आज एक्चुअली जाएंगे ना रायु के लिए ड्रेस देखने, क्योंकि ऑनलाइन मैं देख रही थी, मुझे मिला नहीं। तो रायु का बर्थडे ड्रेस का अगर कलर सिलेक्ट नहीं कर पाए ना, तो बाकी सब कुछ अच्छे से नहीं हो पा रहे। मतलब हम लोगों का ड्रेस जो होगा या बैकग्राउंड बोलो, सब कुछ हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए पहले ना रायु का बर्थडे का ड्रेस लेना होगा, नहीं तो सब कुछ अधूरा हो रहा है। तो वही देखेंगे कोलकाता न्यू मार्केट में रायु का बर्थडे का ड्रेस मिलता है कि नहीं। और रायु का ईद का जो ड्रेस वगैरह सब आया है, उसका मैचिंग बैंगल्स वगैरह भी लेना है। और बाहर ना आज वेदर थोड़ी सी खराब है, बोल के रायु को जैकेट पहना दिया, पर पतला जैकेट रायु का नहीं है बोल के उसको यही मोटा वाला ही दे के जा रहा है, क्योंकि ब्रिज से जाएंगे। आज अगर पतला जैकेट भी मिलता है वो भी लेंगे रायु का। तो चलो आप लोगों के साथ आगे आगे सब कुछ शेयर करते रहेंगे। तो रायु को जैकेट पहना के लेके आए थे ना, इतना गर्मी हो रही थी मतलब ब्रिज में, क्योंकि वो बहुत मोटा है यार। मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ ना, मुझे ये सारे ड्रेसेस बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत सुंदर है। हाँ, तो रायु इतना पसीना पसीना हो रही थी, उसका टोपी उसका जैकेट सब खोल दिया। तो वही एक पतला वाला एकदम जैकेट देखेंगे, क्योंकि हवा चलती है ना रात के टाइम में, तो उसके लिए। और शाकिब तो रोजा करके आया है, आज यहाँ पे इफ्तारी भी करेगा, है ना शाकिब? हाँ, मुझे ये गाउन दिला दो शाकिब, मेरा हाइट ही नहीं है। एक बार पहनने वाला नहीं, एक बार के लिए नहीं, मेरा हाइट इतना शॉर्ट है ना, वो सब मेरा लेंथ में नहीं आती है। यही मतलब ऊपर वाले ने मुझे ये हाइट ही नहीं दिया। इतना ज्यादा भीड़ हुआ है, पहले का सिल्कपॉट में जाना है ना। हाँ, उसका तो जाम। और सुंदर सा इसके लिए डेकोरेशन भी किया वहाँ पे। रायु कहाँ है माँ इतना भीड़ में? वो जो घूमने आई है माँ का कपड़ा लेने आए है ना, गए हैं शिल्पा मॉल में। यहाँ पे एक बार देखे थे एक फ्रॉक का, मतलब बहुत अच्छा सा दुकान था। अब शाकिब जैसा देखा है उसके लिए सोचा है, वैसा मिलता है कि नहीं वो देखना है। मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर में देखा था यार, यहाँ ना मिलता है तो इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम में ये है ना, कोड अवेलेबल नहीं है और रिटर्न भी नहीं होगा। ये देखो इधर भी एक देखो, पूरा सिल्पा मॉल घूम लिए पर एक भी कपड़ा नहीं मिला। मतलब बाहर ही देख रहे थे, मतलब उतना अच्छा नहीं था। हम लोग कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसका बर्थडे हम लोग समझ रहे हो, उसका फर्स्ट बर्थडे, तो यहाँ नहीं मिला। देखते आर्केड में जाके अगर वहाँ पे मिलता है। आज पूरा न्यू मार्केट घूम के देखना होगा। मैं बोल रही हूँ पहले शाकिब तुम इफ्तार कर लो, टाइम हो गया, उसके बाद हम लोग आर्केड की तरफ जाएंगे। हो ही गया है ना, अभी भी 25 मिनट बाकी है। 25 मिनट है ना, इसीलिए बोल रही हूँ, देखते चलो। ऐसा टाइप का शाकिब ढूंढ रहे ना। ऐसा टाइप अभी वो खड़ी नहीं हो पाती है, तब भी देख लो कलर ऑप्शन क्या है और क्या क्या पैटर्न में है। और थोड़ा कि जो दिखाया ना उसमें कलर ये एक। ना ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब लाइन लगा के इफ्तारी करे कितने लोग। वहाँ पे फ्रूट्स खा के हो गया इफ्तारी। अभी शाकिब लिया है ये मूंग दाल का पकौड़े। मैं बोल रहा चलो लस्सी ले, तुमको खाना है तो चलो लेते हैं। नहीं, हम तो मार्को स्ट्रीट जाना है। मार्को स्ट्रीट यहाँ रिया मामा ड्यूटी निभाते हुए कैसे भी करके एक जगह ढूंढ लेते हैं और शुरू हो जाना पड़ता है ये। पर मतलब ये सब चीज, ये चीज याद रहे, मतलब ये मेमोरी है, ये याद रहने वाला। जब आयु बड़ी हो जाएगी तब तो ये नहीं होगा ना, ये सब याद रखने। नहीं, एक ड्रेस हम लोग को पसंद आया था पर वो पिंक में आ गया और पिंक हम लोग को लेना नहीं है। अब फिर से यहाँ पे चिकन पैटिस की इफ्तारी चल रही है, क्योंकि केक लेने आते हैं ना हर टाइम, तो केक लेने आए तो उसको देखा चिकन पैटिस बहुत टेस्टी है। हाँ, सच में इधर दो घंटा तो चीनी ही कैसे सबाई ना, हम ही कहा बोना। आज ही आए बैंगल्स लेने और आज ही दुकान बंद है, बच्चे का नहीं मिलेगा। बैंगल्स है पर स्टोन का नहीं पहनाएंगे, उसका कलरिंग चाहिए।
तो फिर आना पड़ेगा क्या? उस दिन मेरी ननद की बेटी ली थी, देख के उसका दिमाग खराब हो गया था, तब से उसको लेना था। ले लो माँ, ले लो, ले लो। 200 रुपया खुला है। आज फाइनली मिल गया। बाजा बाजा भाई, बाजा बाजा बजाओ। खुश है देखो वो लेके। सच में इसके रायु के ना इतने छोटे छोटे खुशी में ना इतना खुशी मिलता है ना, कोई लाख रुपए का भी कोई कुछ चीज है ना वो खुशी। वो उस दिन वो मना के पास देख के तब से उसका ना उसमें मन आ गया था, पर हम लोगों के वहाँ पे मिला नहीं। और खुश हो गई मेरी माँ एकदम। देखो देखो कितनी खुश, देखो हाथ में से ये लेने से कैसे गाड़ी करेगी। दे दो, दे दे दे। तो अभी उसका इतना फेवरेट हो गया ये। दो कलर देखो, रेड रेड स्काई टाओ भल लग जाए, रखना व्हाइट और ब्लैक टाओ को सुंदर लग जाए। প্রায় 3 ঘন্টা ধরে পুরো কলকাতা ঘুরে মনে একটা দোকান এরম দেখছি, দেখতে পাচ্ছি সত্যি। আব দেখে কোন সা वाला अच्छा लगे सारा। तो फाइनली मिल गया। आप लोग गेस कर सकते हो कि कौन सा लिया है, ठीक है? मुझे कमेंट करके बताओ। आप लोग बताओ कि रायु के ऊपर कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। मैं मतलब मिला के देखूं मैंने जो लिया है और आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल कितना बढ़ गया। हाँ, मतलब आप लोगों के साथ मेरा जो थिंकिंग है वो मैच किया है कि नहीं। हमने इसका एक जूता का दुकान देखे नीचे नीचे, तो वो एक बार देख के आते। रायु का जो शूज है वो नहीं मिला कि उनके पास कलर अवेलेबल नहीं था, तो देखते हैं वो लोग बोले बाद में लाके देंगे, तो फिर से आना पड़ेगा। अभी हम लोग जाएंगे कहाँ जाके, मार्को स्ट्रीट शाकिब को सलवार लेगी बोला। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए यार, मैं ऐसे ही बोल रही थी। शाकिब का वो कुछ खाया नहीं तब से, इफ्तार में थोड़ा सा फ्रूटी खाया था। अभी यहाँ मार्को स्ट्रीट है ना सामने, बहुत फेमस है, वहाँ पे अच्छा कबाब मिलता है, शाकिब का तो कबाब फेवरेट है। तो वही देखो रायु सो रही है, उसका आँख पूरा झिमी झिमी, नींद आ गया उसको। और हाथ तेरे खेलना था बोते फेल लो घूमे से करते, मतलब निकलते गए और बारिश स्टार्ट हो गया टिप टिप करके। और रायु का टोपी देखा है, देखो कितनी क्यूट टोपी है, पारी है ये पूरा। शाकिब की पीसी ने बना के दिया, देखो शाकिब रायु को एकदम चू चू से टोपी। और एक बनाना पड़ेगा, ये छोटा हुआ है थोड़ा सा। लिया पहले प्यारे कबाब और टिक्का कबाब, टिक्का अभी नहीं आया, प्यारे से अभी काम चला रहे हैं। लीजिए, ये बहुत झाल गया, इतना झाल हो ना। तो बहुत स्पाइसी होगा ना, नाक के छोटी छोटी खा लेना बेरियास भी। क्या शरबत है ये? नफरत का है, बेवफा शरबत। बेवफा शरबत, मुझे नेगेटिव कमेंट देते बोले तुम बेवफा वाला शरबत। मैंने बेवफा लिया, मोहब्बत लिया ही नहीं, मोहब्बत हमें बांटते नहीं। लोग बोल रहे मैं तुम्हारा नाम भी गलत प्रोनाउंस करती हूँ, सोचो शायद जो बोल रहे क्या बोलूं। छोड़ो, कैसे इसके थे? बहुत बढ़िया। अभी घर आके यहाँ पे चाय बिठाए हैं। बाकी ये क्या बन टाइप का लिया है, वहां से बिक रहा था देख के, जो देख के मुझे तो काफी यमी लग रहा है कि खाने में तो अच्छा ही होगा। डिनर भी यही कर लेंगे क्योंकि 9 बज गया है, तो मतलब चाय नहीं पिए है ना बोल के मेरा माथा तप तप कर रहा है, तो चाय के साथ ये थोड़ा बन ही खाएंगे और हो जाएगा डिनर। छी 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 छी। अरे बाप रे, वो इतना क्यों हंस रही है, बोले तो पॉटी कर दी बोल के। ची, ची, ची। तो सहरी के बाद अभी इफ्तारी में मैं मिल रही हूँ और अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है इफ्तारी का। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर का कबाब, तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और देखते हैं कैसे बनती है। आप लोगों से रेसिपी भी शेयर करते हैं। तो अभी जो है ना मैं हल्का सा बेसन लेके उसको ना थोड़ा सा हल्का से रोस्ट कर रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पे पनीर की क्यूब्स लिए हैं, ऑनियन लिए हैं और यहाँ पे शिमला मिर्च लिया है, ये सारे दे देंगे। उसमें जाएगा ये कर्ड जो रोस्टेड बेसन है, ये पहले दे लेते हैं उसके बाद दिखाती हूँ। उसके साथ ना थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ के देना,
ताकि और थोड़ा सा फ्लेवर ज्यादा आ जाए। थोड़ा सा ना अदरक और मिर्च का एक पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। रेडी हो गया सब कुछ, देखे ऑयल भी जरूर से डालना। अभी मैं ये स्टिक के अंदर एक एक करके डाल दूंगी, थोड़ी देर बाद इसको फ्रिज में रेस्ट करेंगे। रिया क्या क्या बन रहा है? बन रहा है वो कबाब बन रहा है और यहाँ पे मैं सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो बोल रहे हो प्याजू नहीं बनाना हो। देखो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, अभी देखो बज चुके हैं 4:45 और रायु सो ही नहीं है। मैं चल जाऊंगा, तुम रायु को पकड़ने में टाइम चल जाएगा, उसी लिए बोला। अगर टाइम हो गया तो मेरा क्या है, मुझे तो खाने से मतलब है। बाप रे, तुम खाना है मम्मा, तुमको पियाजी खाना। और आज इसमें शिमला मिर्च तो येलो वाला लेके आए थे ना, तो सैंडविच में ये दिया है, ये अच्छा और भी ज्यादा टेस्ट होगा। अच्छा लगेगा। मतलब वो क्या आज पूरा ही खत्म कर दी क्या? हाँ वो पूरा खत्म, पूरा येलो वाला खत्म, येलो वाला पूरा खत्म। वो बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ तो खाएंगे नहीं। कबाब को निकाल लिया है और यहाँ पे रायु खेल रही है और शाकिब जो है फ्रूट्स कट कर रहा है। यहाँ दही निकाल के रखे, इसका घोल बनाएंगे। रू अफजा देखे, यहाँ पे कबाब का कबाब सेकेंगे और यहाँ पे भी तेल गरम करने दे दिया, फिर प्याजी बनाएंगे। शाकिब मुझे बोल रहा था टाइम नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी नहीं कर पाओगी। अरे मतलब लोग जो चाहते हैं वो करके ही दिखाते हैं, और हम गर्ल्स का तो अलग ही एक पावर है ही, हम लोग जो सोच रहे हो तो करेंगे। एकदम हल्का ऑयल लगा दिया है, ऊपर से हल्का सा ब्रश कर दिया है, घुमा घुमा के इसको पकाएंगे। अभी इफ्तारी जो है मेरा रेडी हो गया है, देखो मैंने ये सब बनाया आज। सो चलो इफ्तारी का टाइम हो गया। दोनों मिलके इतना बदमाशी कर रही है, बाप रे। अब रायु दूध भी पी रही है, उसको सोनू को ही पिलाना पड़ेगा। बाप रे गिर जाएगी, गिर जाएगी। बाप रे आस्ते आस्ते, इधर आ जाओ रायु, सोनू गिराएगी। तो अभी मैं कर रही हूँ डिनर, पुलाव के साथ चिकन, बहुत बढ़िया डिनर है। चलो मतलब इफ्तारी एकदम इफ्तारी खा के आए थे, बट ये भी जम गया। तो आज का ब्लॉग गाइस यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और पसंद आते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, लव यू ऑल।